केसुर में नागरिकता संशोधन बिल को लेकर बैठक रखी गई। नागरिकता संशोधन बिल, इससे ना ही किसी को कोई परेशानी होगी ना किसी के भी साथ भेदभाव होगा। यह बिल भारत की 130 करोड़ जनता को नागरिकता देने का है, समर्थन का है। दूसरी, समाज के प्रताड़ित लोग जो दूसरे देशों में रहते हैं उनको नागरिकता देने का बिल है। नागरिकता संशोधन बिल के समर्थन के उपलक्ष्य में 16 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में समर्थन रैली निकालेगी। इसी उपलक्ष्य में बैठक रखी गई, जिसमें प्रमुख रूप से पूर्व विधायक श्री भंवर सिंह जी शेखावत द्वारा सांदलपुर मंडल में बैठक आयोजित की गई। इसमें जिले के प्रभारी श्याम नायक, भाजपा के नेता चत्तर सिंह ठाकुर, पूर्व मंडल अध्यक्ष नारायण सिंह जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष जी वर्मा, मंडल अध्यक्ष मुन्ना लाल जी पटेल, मंडल महामंत्री मलखान सिंह जी तवर, अशोक जी चौधरी, राहुल अग्रवाल, राकेश जी पवार, दीपक राठौड़, अनुरुद्ध सिंह ठाकुर एवं समस्त कार्यकर्ता मौजूद थे। धार जिले के केसुर से अनिल परमार के साथ नितेश परमार की रिपोर्ट। जन जन तक पहुँचाने के लिए पार्टी की क्या रूपरेखा, इसीलिए आज ये बैठक बुलाई है। आज मैं सारे मंडलों में जा रहा हूँ, सब जगह बैठक है। 16 तारीख को एक विशाल रैली के रूप में भारी जनसमूह के साथ जनता को ये संदेश देने के लिए रैली निकालेंगे कि ये जो हल्ला देश में मचाया जा रहा है नागरिकता संशोधन बिल का, ये बकवास है, ये बेमतलब है, बेमानी है। हिंदुस्तान के रहने वाले किसी नागरिक के ऊपर इस बिल का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। हमारे जो दूसरे समाज के प्रताड़ित लोग दूसरे कंट्रीज में देशों में, उनकी नागरिकता देने का ये बिल है, किसी की नागरिकता लेने का बिल नहीं है। नागरिकता देने का जो बिल लाया गया है उस पर जो बवाल मचा रहे हैं, ये सिर्फ अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखने की भावना से काम करने वाले लोग हैं। इनको देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। इस बिल का इस देश की जनता से कोई लीजिए दीजिए है ही नहीं। ये फोकट भ्रम फैला रहे हैं, इस भ्रम को दूर करने के लिए रैली निकालेंगे। जिला स्तर तक, बूथ से लेकर के जिले स्तर तक, जिले से लेकर पूरे देश कार्यकर्ताओं को कोई संदेश, कार्यकर्ताओं को एक ही संदेश है कि जो भ्रम फैला रहे हैं, भ्रम को दूर। पत्र आया है उसमें नागरिक संशोधन कानून के संबंध में पूरी जानकारी दी गई है। उस पत्रक को लेकर हमको प्रत्येक परिवार में जाना है, प्रत्येक घर को, मतलब उसमें एक हस्ताक्षर भी करवाना है और सभी को इस कार्यक्रम के बारे में 16 जनवरी को जो एक विशाल रैली है, प्रत्येक परिवार में पहुंचकर नागरिक कानून के तहत जो उसमें जानकारी, लोगों को भी भ्रम में है, इसकी सही जानकारी भी नहीं लोगों को, तो सही जानकारी देना, पूरा उनको समझाना और अधिक से अधिक इस कार्यक्रम को हमको सफल बनाना है। 16 जनवरी को हमको अधिक से अधिक सादलपुर मंडल से अधिक संख्या में हमको पहुंचना है। कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहोगे आप? कार्यकर्ता का संदेश क्या देना चाहोगे? कार्यकर्ता को जल्दी से 16 तारीख को पहुंचाना, सभी लगे इस काम में, सभी काम में लगे। आपके युवा मोर्चा, युवा मोर्चा भी पूरी तरह इस निर्देश है कि नागरिक संशोधन का अधिनियम के लिए जो भ्रामकता कांग्रेस द्वारा जो फैलाई जा रही है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी गृहमंत्री के द्वारा जो निर्देश है कि मंडल अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष तक, इस घर घर तक ये पत्रक लोगों को घर जाकर दें और उनको बताएं कि कांग्रेस पूरी तरह तक भ्रामकता फैला रही है। इसमें ऐसा कोई नियम नहीं है कि किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, ये नागरिकता देने का काम है, छीनने का नहीं। युवा मोर्चा क्या टारगेट रख रहा है इसके बारे में? भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा हर मंडल पे बैठक ले रहा है और 16 तारीख की रूपरेखा के बारे में अधिक से अधिक कार्यकर्ता को पहुँचाने के लिए